एपिसोड शुरू होते हैं कैट को फॉरेस्ट के अंदर शॉर्ट के साथ फाइट करते हुए दिखाया जाता है जहाँ पे वो बहुत सारे गॉबलिन को मारता है जिसके बाद रात को वो गैरेज के शॉप पे जाते है ताकि वो अपने इक्विपमेंट्स को अपग्रेड कर सके और ठीक कर सके पर यहाँ पे जब गैरेज को पता चलता है कैटगल सौ से भी ज़्यादा गॉब्लेंस के साथ फाइट करके आया है तो बहुत ही ज़्यादा शौक होता है और साथ ही साथ यहाँ पे गैरेज को एक बात पता चलता है कैटगल को ना एक डंजन मिला है दरअसल कैटगल फॉरेस्ट के अंदर जिस समय वो गॉबलिस को मार रहा था उसी समय उसे एक गॉबलिन का नेस्ट मिला था पर उसको उस टाइम पर उसके बारे में पता नहीं था पर रस्ते में जब उसे बाकी एडवेंचरर्स मिलते हैं तो उसे उनसे पता चलता है वो कोई गॉबलिन का नेस्ट नहीं वो एक दरअसल डंजन है और वो इन सब के बारे में गिल मास्टर के पास भी जाके बताता है और गिल मास्टर को ये बात जब पता चलता है एक डंजन अपीयर हुआ है तो उसे समझ में आ जाता है वहाँ पे बहुत सारे और भी कई सारे मॉन्स्टर हो सकते हैं तो इसीलिए वो एक हाई रैंक का टीम बनाने का डिसाइड करता है ताकि वो लोग उस डंजन को कम्प्लीट कर सके और इसमें वो कैटगल को भी रखता है गैरेज थोड़ा सा डंजन के बारे में कैटगल को बताता है इन डंजनों को क्रिएट करने वाला गॉड ऑफ केयर्स उस है उसने इसको इसी वजह से क्रिएट किया जाता है ताकि वो ह्यूमंस को टेस्ट कर सके गैरेज यहाँ पे ये भी बताता है इन डंजनों के अंदर एक कोर पाया जाता है जिस कोर के आसपास जो भी होता है वो डंजन मास्टर बन सकता है और उस कोर के अंदर इतना पावर है वो चाहे तो एक मेस को भी क्रिएट कर सकता है वो डंजन मास्टर उसका इस्तेमाल करके और कुछ एंसेंट डंजनों के अंदर बहुत सारे खतरनाक मॉन्स्टर भी पाए जाते हैं और साथ ही साथ बहुत सारे ट्रेजर भी होता है वहाँ पे इतने सारे चीज़ें डंजन के बारे में बताने के लिए कैट गैरेज को थैंक्स कहता है फिर वो घर जाकर नहाता है पर इस दौरान वो नल से मिलता है नल के साथ जब कैट गर्ल कुछ समय बाद बात करता है तो उसे इस दुनिया के गॉड्स के बारे में बहुत सारे चीज़ें पता चलता है उसे इस दौरान गॉड ऑफ़ वॉर के बारे में एक बात पता चलता है ये जो गॉड ऑफ वॉर है वो एक टाइम पे बहुत पावरफुल तो था पर उसे ज्यादा पावर मिलने के वजह से वो बहुत ही ज़्यादा इवेल हो जाता है और फिर बहुत सारे गॉड्स को चैलेंज कर देता है पर एंड में वो हार जाते हैं और वो सारे गॉड्स उसके बहुत सारे टुकड़े करके उसे अलग अलग जगहों पे सील कर देते हैं जिस वजह से गॉब्लिन और हॉप गॉब्लिन जन्म लेते हैं कैटगर्ल को यहाँ पे इतने सारे इन्फॉर्मेशन पता चलता है इसके बाद अगले दिन कैटगर्ल गैरेज के शॉप पे आते हैं ताकि वो शॉर्ट के ले इक्विपमेंट्स ले सके और उनको लेने के बाद वो डंजन पे जाता है जहाँ पे डंजन के बाहर डोना डेंट बाकी सारे एडवेंचर को डंजन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था पर तभी उनके ऊपर गॉबलिन का अटैक होता है इसी वजह से यहाँ पे सारे एडवेंचरस गॉब्लिन के साथ लड़ने लग जाते हैं और यहीं पे कैट गर्ल अपने शॉर्ट के मैजिक पावर का इस्तेमाल करके वो काफी सारे गॉबलिन को एक ही बार में खत्म करने लगता है और ये चीज़ें देख के यहाँ पे सब लोग हैरान थे पर यहाँ पे कैट गर्ल ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा था क्योंकि वो बहुत सारे पावर्स को एब्जॉर्ब करना चाहता था पर इन लोगों के आगे वो कर नहीं सकता था इसीलिए वो यहाँ पे बाकी के गॉबलिन को इन एडवेंचरस के ऊपर छोड़ के वो केव के अंदर चला जाता है कैट गर्ल को केव के अंदर बहुत सारे गॉबलिन दिखता है पर कैट गर्ल अपने टीचर के कहने पर सिर्फ उन्हीं गॉब को मारता है जिनसे उसे कुछ अच्छा क्रिस्टल मिल सकता था तो इसीलिए उसे ज़्यादा परेशानी नहीं होता है पर रास्ते में जो कुछ नॉर्मल गॉबलिन थे उन्हें भी कुछ शॉट अपने एक ही अटैक में ख़त्म कर देता है इस तरीके से कैटगर्ल केव के और भी ज़्यादा डीप पे जाता है तो उसे कुछ हॉप गॉबलिस्स दिखता है जो कैटगर्ल को देख के ही भागने लगता है कैटगर्ल डिसाइड करते हैं वो इनका पीछा करके किंग और क्वीन तक पहुंच जाएगा और वो यहाँ पे वैसा ही करने लगते हैं दूसरे साइड डोना और उसका एक फ्रेंड और बाकी सारे एडवेंचरस अंदर आ रहे थे उन्हें आस पास के गॉबलिन कम देख के उन्हें समझ में आ गया था ये सब कुछ कैट गल के वजह से ही हो रहा है वहीं पे कैट गल और शॉर्ट गॉबलिन क्वीन तक पहुंच जाते हैं यहाँ पे शॉर्ट डिसाइड करते हैं वो नॉर्मल गॉब्लिन को इसे मारेगा पर किंग और क्वीन कैट गल मारेगा पर यहाँ पे गलती से शॉर्ट के सिंगल अटैक में किंग और क्वीन भी मर जाते हैं इसी वजह से थोड़ा सा कैटगल उदास होता है पर वो फिर भी डंजन के और भी अंदर जाता है तो उसे इस दौरान एक ऐसा रूम मिलता है जहाँ पे बीटल आर्मी था पर यहाँ पे कैटगल और सॉर्ड अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उनको बहुत आसानी से हरा देते हैं जिसके वजह से उन्हें काफी सारा पावर न्यू मिला था इसके बाद कैटगल और सॉर्ड और भी अंदर जाते हैं तो उन्हें एक ऐसा रूम मिलता है जहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल डीमन था वहीं पे उनसे कुछ ही दूरी पे बीटल वाले रूम के बाहर ही डोनाडेंट थे पर यहाँ पे वो लोग अंदर नहीं जा पा रहे थे क्योंकि रूम लॉक हो चुका था दूसरा साइड कैटगल को डीमन रूम पे डंजन मास्टर भी मिल जाता है पर डंजन मास्टर डीमन के ऊपर बहुत ही ज्यादा ऑर्डर चल रहा था इस वजह से डीमन उस डेंजन मास्टर को एक अटैक करके मारता है उसके बाद वो कैडगल के साथ फाइट करता है पर यहाँ पे इन दोनों के बीच के जो फाइट है वो बहुत समय तक चलता है डीमन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके कैडगल के ऊपर अटैक करके उसके हाथ को भी एक बार काट देता है इस फाइट के दौरान पर यहाँ पे शॉर्ट अपनी पावर्स के इस्तेमाल करके कैटगल को दोबारा से हिल देता है फिर यहाँ पे इन दोनों के बीच दोबारा से फाइट होता है और ये फाइट बहुत ही ज्यादा खतरनाक चल रहा था डीमन कैटगल के ऊपर किसी तरीके से सैरोस के अंदर से निकल के वो अटैक कर रहा था और जब यहाँ कैट गर्ल को सब कुछ समझ में आता है इस डिमंड का असली चाल तो वो यहाँ पे उसके सारे अटकों से बहुत आसानी से बचने लगता है इस दौरान डिमांड भी समझ जाता है इस कैट गर्ल का जो शॉर्ट स्किल है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है जिस वजह से उसे हराने में उसे बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रहा है इसीलिए डिमांड यहाँ पे अपनी एक पावर का इस्तेमाल करता है और कैट गर्ल के शॉर्ट स्किल को चुरा लेता है और इसके बाद ही कैट गर्ल के ऊपर डिमांड अटैक कर देता है पर यहाँ पे कैट गर्ल उसके अटैक से बच जाते है और यहाँ पे कैट गर्ल और डीमन को पता चलता है जो डीमन है वो बिल्कुल भी कैट गर्ल का वो शॉर्ट स्किल नहीं ले पाता है क्योंकि जो शॉर्ट है वो अपना ये स्किल कैट गर्ल के साथ शेयर करते हैं इसी वजह से कोई भी उनका ये स्किल नहीं ले सकता है।, है इस जगह पे डंजन मास्टर भी समझ जाता है इस डीमन से कुछ होने नहीं वाला है इसीलिए वो यहाँ पे बहुत सारे गॉबलिन को समन करते हैं गर्ल के ऊपर अटैक करने के लिए पर यहाँ पे डीमन उन गॉबलिन को ये मार देता है और फिर वो यहाँ पे डंजन मास्टर को वार्निंग देता है वो अगर अगली बार ऐसा करते है इनके फाइट के बीच इंटरफेयर करके तो वो उसे मार देगा आगे अब यहाँ पे डीमन समझ जाते हैं कैटगल को है डिफिकल्ट है इसीलिए वो अपना काफी सारा पावर इस्तेमाल करके एक पावरफुल अटैक करता है पर इस अटैक से कैटगल बच जाता है किसी तरीके से और इस अटैक का इंपैक्ट बाहर तक जाता है जिस वजह से जो दूसरे एडवेंचरस है उन्हें पता चल जाता है जो कैटगल है वो किसी न किसी परेशानी में है दूसरे साइड कैटगल डीमन के सारे अटैकों से बचते हुए शॉर्ट से उसका स्ट्रेंथ मांगता है और वो ऐसे इसीलिए कर रहा था क्योंकि वो यहाँ पे सबको प्रोटेक्ट करना चाहता था और शॉट भी कैटगल की सारी बातें समझ जाता है वो स्ट्रॉन्ग इसीलिए नहीं बनना चाहता क्योंकि वो बनना चाहता है वो स्ट्रांग इसीलिए बनना चाहता है वो तो ताकि सबको प्रोटेक्ट कर सके इसीलिए शॉट भी उसे अपना पावर देता है और वो उस डिमांड का वीकनेस पता करता है शॉट को एक बार समझ में आ जाता है अगर वो यहाँ के डेंजन मास्टर को ख़त्म कर देता है तो ये डीमन भी मर जाएगा इसीलिए वो यहाँ पे कैटगल के मदद से उस डंजन मास्टर को मारने की कोशिश करता है पर डीमन भी डंजन मास्टर को प्रोटेक्ट कर रहा था इसीलिए यहाँ पे कैटगल और शॉट रुक जाते क्योंकि वो लोग बेकार में ही डंजन मास्टर के ऊपर कंटिन्यूस अटैक करके अपने पूरे माना को ख़त्म नहीं कर सकते थे इसीलिए यहाँ पर शॉट किसी तरीके से दूसरा तरीका ढूंढता है इस डीमन को ख़त्म करने का तो उसे एक दूसरा तरीका पता चलता है ये डीमन जब भी अटैक करता है उसके बाद कुछ सेकंड के लिए ये रुक जाता है ताकि वो अपना माना को रिकवर कर सके और यहाँ पे शॉट इसी चीज़ का फायदा उठाता है और शॉट कैटगल से कह के डीमन के ऊपर अटैक करता है और खुद यहाँ के डंजन मास्टर के ऊपर अटैक करने आता है इसीलिए यहाँ पे डीमन भी डंजन मास्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए शॉर्ट के ऊपर अटैक करता है पर यहाँ पे शॉट अपना डायरेक्शन बदल के सीधा डीमन के ऊपर अटैक करके डीमन को ही मार देता है कैटगल और शॉर्ट डीमन को हारने के बाद उसके डीमन स्वॉट को भी कलेक्ट कर लेते हैं और साथ ही साथ वो लोग डंजन मास्टर को भी हरा के इस डंजन को कंप्लीट कर लेते हैं जिसके बाद यहाँ पे वो दूसरे एडवेंचर आते हैं और उनको पता चलता है यहाँ पे कुछ देर पहले एक बी रैंक का डीमन था और उसे कैटगल ने मारा ये सोच के वो लोग यहाँ पे शौक थे जिसके कुछ समय बाद ये लोग यहाँ से चले आते हैं और जाते समय कैटगल अपने शॉर्ट स्किल को अपग्रेड करते हैं और इन सारे चीज़ों के बाद रात को कैटगल जाके गिल मास्टर से मिलता है गिल मास्टर कैटगल के सारे गलतियों को माफ कर देता है उसने अकेले जाके फाइट किया इन सारे चीज़ों को वो इग्नोर कर देता है पर यहाँ पे वो एक चीज पूछता है उस डिमांड के अंदर का क्रिस्टल कहाँ गया है कैटगल यहाँ पे बताता है वो क्रिस्टल डिस्ट्रॉय हो चुका है कैटगल की इस बात को गिल मास्टर भी मान लेते हैं पर यहाँ पे गिल मास्टर एक बात कैटगल को बताता है वो क्रिस्टल बहुत ही ज्यादा कीमती था इसके लिए दूसरे कंट्रीज के बीच बहुत ही ज्यादा वॉर होगा क्योंकि वो लोग उस क्रिस्टल को पाने की कोशिश करेंगे पर वो इस चीज को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उसे कैटगल के ऊपर पूरा भरोसा था पर तभी अचानक से यहाँ पे एक बंदा आता है और आके कहता है नहीं कैटगल झूठ कह रहा है और इसी के साथ ही जो एपिसोड है वो यहीं पे खत्म होता है तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना साथ साथ तो चैनल को सब्सक्राइब भी मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक और नए वीडियो पे अभी के लिए बाय बाय